बस देखती जाओ कियारा। कार्तिक ने चौहान अंकल को रोशन की कंपनी से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस फोन पर दिए और फोन रख दिया। कियारा को ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, पर वो इतना जरूर समझ गई थी कि मामला रोशन की क्लोथिंग फैशन लाइन के कुछ फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। कार्तिक की बॉडी लैंग्वेज बड़ी टेरिफाइंग थी। बातें करते हुए उसका कॉन्फिडेंस और कमांड देखकर कियारा को भी अब कभी कभी डर लगने लगता था। बस थोड़ी देर के बाद वो दोनों बैकस्टेज थे। इवेंट शुरू होने वाला था। ईशा वहां पर अपनी मॉडल्स को रेडी कर रही थी। वो उन दोनों को देखते ही बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ये दुनिया का बिगेस्ट फैशन इवेंट है और अपने कपड़े देखे हैं तुम दोनों ने, क्या सोचकर मुंह उठाकर चले आयो? डिस्गस्टिंग क्रीप, तुम्हारे जसू को इतने प्रेस्टीजियस इवेंट में पता नहीं एंट्री कैसे मिल गई। ईशा के पास खड़ी मॉडल्स कार्तिक और कियारा को देखकर हंसने लगी। ईशा की मॉडल्स ने वाकई एक खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन से कियारा फिर नर्वस होने लगी। उसके सारे डिजाइन एंशिएंट स्टाइल के थे, पर ऐसा नहीं है कि वो आउटडेटेड थे। उसने बहुत मेहनत की थी, वो मॉडर्न टच के साथ बहुत रेडिकल लुक लिए हुए थे। ईशा की बदतमीजी पर कार्तिक ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसको पता था कि कियारा के कपड़े बेस्ट हैं और ईशा सिर्फ जलन की वजह से ऐसा कह रही है। ईशा को पता था कि दरअसल कियारा के कपड़े आउटस्टैंडिंग हैं, पर वो एडमिट नहीं करना चाहती थी। वो जानबूझकर उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रही थी। उसने कियारा को फिर से इंसल्ट करते हुए कहा, तुम्हें पता भी है आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है? जाओ पहले जाकर कुछ साल और सीखो कि फैशन क्या होता है। उठकर चली आती है कहीं से भी। अब कार्तिक का सब्र जवाब दे गया। उसने कियारा को डिफेंड करते हुए गुस्से में ईशा को बोला, जो तुमने पहना है अगर इसी को पॉपुलर फैशन कहते हैं, फिर तो तुम अगर कचरा डालने का पॉलिथिन भी पहन कर आती तो सेम ही लगती। कार्तिक के ये बोलते ही आसपास खड़े लोग हंसने लगे। ईशा बुरी तरह गुस्से में हो गई, पर वो कुछ कहती इससे पहले उसका नाम अनाउंसमेंट हो गया। उसको अब स्टेज पर जाना था। ईशा ने कार्तिक को नफरत से देखा और अपनी मॉडल्स के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई। इवेंट शुरू हो चुका था। ईशा की एंट्री से पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। एक एक करके उसके मॉडल्स आते गए। उसके डिजाइन किए हुए कपड़ों को बहुत प्रेज मिल रही थी। पूरे हॉल में तालियां रुक नहीं रही थी। अपने सारे कपड़े शोकेस करके जब वो लौट कर बैक स्टेज आई तो उसने कार्तिक की तरफ देखा और कहा, ऑडिशंस का रिस्पॉन्स देखा तुमने? आई होप तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि रियल फैशन किसे कहते हैं। जो तुम्हें पॉलिथिन लग रहा था वो ही ट्रेंड है आजकल। यू आर अनसिविलाइज्ड इडियट, कार्तिक ने भी तपाक से जवाब दिया। थोड़ी देर और खुश हो लो, बहुत ज्यादा देर तक खुशी टिकेगी नहीं तुम्हारी। ईशा गुस्से में कुछ बोलने ही लगी थी, इतने में ही कियारा के नाम की अनाउंसमेंट हो गई। अब कार्तिक और कियारा को स्टेज पर जाना था। जैसे ही कार्तिक और कियारा स्टेज पर आए, पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और रैंप पर आगे बढ़ने लगे। स्पॉटलाइट उन दोनों के ऊपर थी। बहुत सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। पूरा हॉल मेस्मराइज था। ब्यूटी क्या होती है वो लोग सही मायने में पहली बार देख रहे थे। पूरा एम्बियंस ऐसा बन गया था कि सारे ऑडियंस किसी और युग में चले गए थे जैसे। कार्तिक ने वोरी कलर की रॉयल ड्रेस पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्री के चैप्टर से कोई बहुत बड़ा प्रिंस निकलकर स्टेज पर आ गया हो। और कियारा की ड्रेस भी इस तरह की थी कि सब लगभग 5000 साल पहले के एंशिएंट एरा में पहुंच गए। इतना खूबसूरत काम उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद लोग जैसे ख्वाब से बाहर आए और फिर जो हॉल में तालियां गूंजनी शुरू हुई, बहुत देर तक पूरा हॉल गूंजता ही रहा। कार्तिक तो शुरू से जानता था कि कियारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, लेकिन आयरनी ये है कि इतने बड़े इवेंट्स अक्सर फिक्स होते हैं, रियल टैलेंट कभी सामने नहीं आ पाता। दरअसल कार्तिक ने कियारा को ऐसा कोई पर्सनल फेवर नहीं किया था। वो जानता था कि अगर फेयर प्ले किया जाए तो भी जीतना कियारा ही डिजर्व करती है। कार्तिक और कियारा जब तक स्टेज पर अपना राउंड पूरे करके गए, तब तक हॉल में तालियां बजनी रुकी नहीं। उन दोनों के बाद एक एक करके बाकी पार्टिसिपेंट्स भी स्टेज पर अपना काम दिखा रहे थे। अब फाइनल राउंड में कॉम्पिटिशन पहुंच गया। देश दुनिया के आए हुए 30 बहुत ही रिनोन फैशन डिजाइनर्स इस कॉम्पिटिशन के जज थे। कॉम्पिटिशन के बाद एक एक करके अलग अलग कैटेगरीज के विनर अनाउंस किए जाने लगे।
इस साल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था चैंपियंस ट्रॉफी, जो पूरे वर्ल्ड की फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ एक को ही दिया जाता था। जो भी ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतता था वो पूरे वर्ल्ड की फैशन इंडस्ट्री की आंखों का तारा बन जाता था। चैंपियंस ट्रॉफी का विनर अनाउंस करने के लिए शो का होस्ट स्टेज पर आया और माइक लेकर कहने लगा, मैं जानता हूं कि आप सबके दिल की धड़कनें बड़ी होंगी, इस साल चैंपियंस ट्रॉफी आखिर कौन जीतने वाला है? आप सब ये जानना चाहते होंगे कि पूरी दुनिया के फैशन एक्सपर्ट्स ने इस साल किसको विनर चुना है। इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए मैं मिस्टर थॉमस, जो कि हमारे चीफ जज हैं, उनको स्टेज पर इनवाइट करता हूं। काइंडली वो स्टेज पर आए और नेम अनाउंस करें। मिस्टर थॉमस उठे, स्टेज पर आए, माइक लेकर उन्होंने कहा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने आज अपना काम शोकेस किया वो सब एक से बढ़कर एक हैं। हर डिजाइनर की मेहनत उनके काम में साफ साफ देखी जा सकती थी, पर चैंपियंस ट्रॉफी तो एक ही को देनी है, इसलिए जिसका काम सबसे बेहतरीन रहा और जिसको ये चैंपियंस ट्रॉफी जाती है वो है मिस कियारा पटेल। पूरा हॉल एक बार तालियों से गूंज गया। ज्यादातर लोग बड़े हैरान थे कि इससे पहले उन्होंने कियारा पटेल नाम की किसी डिजाइनर के बारे में कभी सुना तक नहीं था, और आज सडनली आउट ऑफ द ब्लू कियारा पटेल चैंपियंस ट्रॉफी की विनर अनाउंस की गई। मिस्टर थॉमस ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि मिस कियारा पटेल और मिस्टर कार्तिक मित्तल एक बार फिर से स्टेज पर आए और दोनों अपना पूरा काम शोकेस करें। यहां बैठे हर किसी को बताना चाहता हूं कि इनकी क्लोथिंग लाइन पिछले 5000 सालों के एशियन डिजाइन्स का बहुत शानदार अपग्रेडेशन है। मॉडर्न एलिमेंट के साथ इन्होंने एंशिएंट लुक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें ब्लेंड किए हैं। हॉल में तालियां रुक नहीं रही थी। कियारा को यकीन नहीं आ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी उसे दी जा रही है। उसके कांपते हुए हाथ को कार्तिक ने बहुत प्यार से होल्ड किया और उसे स्टेज पर चलने को कहा। उधर ईशा ने पैनिक होकर रोशन को पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर इस थॉमस को कार्तिक ने खरीदा है, वरना अनाउंसमेंट से पहले और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। ऐसे कैसे इन्होंने विनर डिक्लेयर कर दिया? ईशा की बातों से रोशन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं था। उसने ईशा को कहा, मुझे आराम से इनका सर्कस देखने दो, तुम शांति से बैठकर तमाशा देखो। मिस्टर थॉमस कियारा और कार्तिक के लिए आगे कुछ बोलते उससे पहले ही सामने की लाइन में बैठे जजेस में से एक ने बोला, मिस कियारा चैंपियंस ट्रॉफी की विनर कैसे हो सकती है? मुझे ऑब्जेक्शन है। उसके कहते ही दूसरा जज भी उठा, उसने भी यही बात की, मुझे भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। फिर एक एक करके बहुत सारे जजेस अपने ऑब्जेक्शन रेज करने लगे। पूरे हॉल में केओस क्रिएट हो गया। फैशन कंपटीशन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हर कोई शॉक था कि ये क्या हो रहा है। इतने में एक जज ने माइक पर बोलना शुरू किया, मिस्टर थॉमस, ऐसे कैसे आप मिस कियारा को विनर डिक्लेयर कर सकते हैं? उनकी पूरी क्लॉथिंग रेंज बिल्कुल आउटडेटेड है। वो आज से 5000 साल पहले चलती थी। उसके बाद तो लोगों की कन्वीनियंस और कम्फर्ट के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जो कि अब नेसेसरी बन चुके हैं। एक दूसरे जज ने भी अपना माइक ऑन करके अपना समर्थन दिया और उसने कहा, मेरा भी यही मानना है कि लिविंग पैटर्न लाइफस्टाइल बहुत बदल चुका है। बहुत पुराने में जरा सा मॉडर्न का तड़का लगा देने से कोई रेंज एक्सक्लूसिव नहीं हो जाती, और बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। उसके बाद अब तीसरा जज बोला, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जितने भी कपड़े शोकेस किए गए हैं सबसे बेस्ट वर्क ईशा रायसेना का है। उनकी पूरी क्लोथिंग रेंज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। उनके डिजाइन बेहतरीन है, जो मॉडर्न वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। पूरे हॉल में खुसर पुसर होने शुरू हो गई। अधिकतर लोगों का यही मानना था कि ये ट्रॉफी कियारा को ही मिलनी चाहिए। उसके बनाए हुए डिजाइन बहुत एक्सक्लूसिव है। पर कुछ लोग हॉल में ऐसे भी थे जो बाकी जजेस की बात के बाद सोच में पड़ गए। उनको भी लगने लगा, सही में जो चीज 5000 साल पहले चलती थी वो आउटडेटेड हो चुकी है, वो आज के सिनेरियो में फिट कैसे बैठ सकती है। हर तरफ इतना कियोस क्रिएट होते देख आखिरकार ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि एक बार फिर से दोनों को स्टेज पर बुलाया जाए, और अब होगी वोटिंग। जिसके फेवर में 3/4 वोट आएंगे वही विनर डिक्लेयर होगा। रोशन ने शातिराना मुस्कान के साथ कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक बहुत कूल बैठा हुआ था, जैसे सारे तमाशे से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रोशन ने ईशा को कहा,
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये इस कंपटीशन को किसी हाल में नहीं जीत सकता। तुम पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ, ये ट्रॉफी तुम्हारी है। उधर कार्तिक और कियारा स्टेज पर आ चुके थे। ईशा ने पास खड़े होते हुए धीरे से कार्तिक को कहा, मेरे कपड़ों को गार्बेज कह रहे थे ना, अब पता चलेगा कूड़े का ढेर किसके कपड़े। ईशा की बात पर कार्तिक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, अभी वो मुस्कुरा रहा था। बल्कि ये सब जो हो रहा था इसे देखकर कियारा बहुत हैरान थी। हालांकि उसके लिए तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात थी, विनिंग जैसी बात तो उसने कभी सोची भी नहीं थी। पर जिस तरह के इवेंट एक के बाद एक बदलते जा रहे थे, उसको कार्तिक के लिए बुरा लग रहा था। उसने कियारा के लिए बहुत मेहनत की थी। उन तीनों के स्टेज पर आने के बाद वोटिंग शुरू हो गई। स्टेज पर मौजूद होस्ट ने कहा, जो लोग मिस कियारा पटेल के फेवर में हैं, वो प्लीज अपना हाथ ऊपर कीजिए। सबसे पहले मिस्टर थॉमस ने हाथ खड़ा किया, उसके बाद 6 और लोगों ने कियारा के फेवर में वोट किया, यानी कि सीधे सीधे 23 वोट ईशा के फेवर में गए। ईशा वहीं स्टेज पर विक्ट्री साइन बनाते हुए डांस करने लगी। अब वो इस इवेंट की क्लियर कट विनर थी। आज तक की हिस्ट्री में इतना ड्रामेटिक सीन कभी नहीं हुआ था कि चीफ जज किसी और को विनर अनाउंस करें और बाकी सारे जजेस उसको डिसऑनर कर दें। बेशक 23 जजों ने ईशा को वोट दिया था, पर हॉल में मौजूद 90% लोगों का यही मानना था कि रियल विनर कियारा ही है। विनिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई। ईशा को क्राउन पहनाया गया, ट्रॉफी दी गई। उसने लगातार तीसरी बार ये चैंपियनशिप जीत ली थी। वो पूरे वर्ल्ड की फैशन इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड क्वीन डिक्लेयर कर दी गई। कार्तिक कियारा का हाथ पकड़कर बहुत पहले ही स्टेज से उतर चुका था। रोशन की क्लोथिंग कंपनी के जीतने की खबर फैलते ही उसके शेयर्स बहुत तेजी से मार्केट में चढ़ने लगे थे। रोशन का सबॉर्डिनेट उसको स्टॉक एक्सचेंज की पल पल खबर दे रहा था। उससे बहुत प्राउडली रोशन को कहा, सर आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, आपने अपने फैमिली बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब इस क्लोथिंग लाइन को वर्ल्ड नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। और शेयर्स के प्राइस तो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हमारी कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इतने में राहुल भी रोशन को कंग्रेचुलेट करने आ गया। रोशन उसे देखते बोला, अरे तुम इवेंट अटेंड कर रहे थे, पता ही नहीं चला। राहुल ने रोशन को कहा, आखिरकार तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। रोशन ने कार्तिक की तरफ देखते हुए बहुत एरोगेंसी से राहुल को कहा, हाँ कुछ लोग समझते हैं कि बहुत पावरफुल है वो, उनका पैसा सब कुछ कर सकता है, पर उनको ये नहीं पता कि दहशत और डर उससे भी बड़ी चीजें हैं जो बहुत सारे रिजल्ट्स अपने फेवर में करा देती हैं। और उधर ईशा ने अपनी विनिंग स्पीच में रोशन को मेंशन करते हुए कहा, ये ट्रॉफी मुझसे ज्यादा मेरे प्राइम स्पॉन्सर मिस्टर रोशन की है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझे स्टेज पर ज्वाइन करें। रोशन ने खड़े होकर बहुत ही एटीट्यूड से अपना कोट सीधा किया, गर्दन अकड़ से तान कर वो स्टेज की तरफ चल दिया। स्टेज पर जाकर ईशा और उसने एक साथ ट्रॉफी हवा में उठाई। होस्ट ने रोशन को माइक पकड़ाते हुए पूछा, क्या आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे। रोशन ने कार्तिक की तरफ सरकास्टिक स्माइल के साथ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड फैशन शो के स्टेज पर सिलेक्शन के टाइम अथॉरिटीज को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी अपने इंफीरियर डिजाइन को लेकर स्टेज पर अलाउड नहीं होना चाहिए। लोग तो यहाँ इतने बेशर्म हैं कि उसके बाद खुद को विनर समझने की जरूरत भी करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से आप जैसे इंटेलिजेंट ऑडियंस का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। रोशन के इस ओपन क्रिटिसिज्म से होस्ट एम्बैरेस हो गया। उसने बात को बदलते हुए माइक ईशा के आगे किया और ऑडियंस को एड्रेस करने को कहा। ईशा ने भी रोशन की बात को दोहराते हुए कहा, मेरा भी यही मानना है कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं, इसलिए विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन इतने बड़े स्टेज पर आकर अपना मजाक उड़वाना अक्लमंदी नहीं है। बेहतर है कि पहले फैशन की समझ डेवलप करें और फिर इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। उसने ये सारी बातें कियारा की तरफ देखकर कही। कियारा इतना ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने सिर झुका लिया, उसके आंसू बह निकले। कार्तिक ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, अभी ये रोएंगे और हम हंसेंगे, तुम बस देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो एपिसोड 27, कौन है विनर। वर्ल्ड फैशन कंपटीशन का स्टेज था, चैंपियंस ट्रॉफी की अनाउंसमेंट हो चुकी थी।
फैशन इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला था ईशा रायसेना को। होस्ट हाथ में माइक लिए बहुत एक्साइटमेंट के साथ ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कह रहा था, ईशा रायसेना पिछले 2 साल से चैंपियंस ट्रॉफी लगातार जीत रही है, तीसरे साल की भी ये ट्रॉफी उन्हीं को जाती है। ईशा रायसेना फैशन इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड क्वीन है। आइए देखते हैं उनके पिछले 3 सालों की जर्नी कैसी रही। होस्ट ने स्टेज पर लगी बिग स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ईशा ने पिछली बार 2 चैंपियनशिप जीती थी। उसके विनिंग मोमेंट्स का वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा था। सब कुछ ईशा और रोशन के फेवर में होता दिखाई दे रहा था। दोनों खुशी के मारे 7वें आसमान पर थे। रोशन ने स्टेज के पास खड़े कार्तिक को देखकर कहा, तू अभी भी यहीं खड़ा है? अबे कितनी और बेइज्जती करानी है तुझे, अपनी लैला को ले और निकल यहां से। रोशन ने जानबूझकर ये काफी ऊंची आवाज में कहा था ताकि आसपास वाले सुन सके। रोशन को लग रहा था कि कार्तिक शर्म से सर झुका लेगा, मुंह छुपाकर यहां से निकल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कार्तिक अपनी पैंट के जेब में हाथ डाले पूरे स्वैग के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोशन को डाउट हुआ कि हो ना हो समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, वरना इतने ह्यूमिलिएशन के बाद कार्तिक मुस्कुरा क्यों रहा है। सबसे ज्यादा सरप्राइज तो रोशन इस बात पर था कि जब वो कार्तिक का मजाक उड़ा रहा था तब आसपास खड़े ऑडियंस में से कोई भी नहीं हंसा, बल्कि वो सब तो बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। रोशन को हैरानी हुई। उसने सोचा, ईशा का वीडियो इतना अट्रैक्टिव है क्या जो सब एक टक स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। उसने खुद पलट कर जब स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। ईशा के फेवर में वोट करने वाला जज रोशन को कह रहा था, मिस्टर रोशन, अगर आप चाहते हैं कि मैं ईशा रायसेना को विनर डिक्लेयर करूं, ठीक है, पर 10 लाख बहुत कम अमाउंट है, 50 लाख तो आपको देना होगा। इस सीन के बाद फौरन अगला वीडियो डिस्प्ले हुआ। उन्हीं 23 जजेस में से एक और जज रोशन को बोल रहा था, 30 लाख आप मुझे दीजिए और मैं ईशा रायसेना के फेवर में वोट कर दूंगा। उसके बाद फिर एक वीडियो आया, इसमें रोशन जज को बोल रहा था, मुंह खोलो, कितना पैसा चाहिए, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, पर ईशा रायसेना हर हालत में विनर डिक्लेयर की जानी चाहिए। स्क्रीन पर एक के बाद एक सीन बदलते गए। जिन 23 जजेस ने ईशा के फेवर में वोटिंग की थी सबके सब एक एक करके वीडियो में दिखाए गए। सारे जजेस का वीडियो स्क्रीन पर आने के बाद पूरे हॉल में भयंकर शोर मच गया। रोशन शॉक्ड था, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये वीडियो किसने शूट किए और ऐसे यहाँ स्क्रीन पर कैसे दिखाए जा रहे हैं। और वहां ईशा की हालत भी बहुत खराब हो गई थी, वो बुरी तरह कांप रही थी। अचानक वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये सब मेरी इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा है, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। पर वहां जितने भी ऑडियंस थे उनमें से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सारे के सारे अब उसके अगेंस्ट में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, एक एक जज को लाखों रुपया दिया गया है, अब समझ में आया कि ईशा कैसे जीती है। दूसरे ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था बेस्ट डिजाइन्स कियारा पटेल के हैं, आखिर ऐसे कैसे इन्होंने ईशा को विनर डिक्लेयर कर दिया, देख लो अब असलियत। भीड़ में से कोई बोला, जब इतनी इतनी रिश्वत सबको खिलाई जाएगी तो किसी गधे को भी विनर डिक्लेयर किया जा सकता है। लोग अब बहुत गुस्से में थे। भीड़ में से फिर आवाज आई, इतने बड़े कॉम्पिटिशन की ऑथेंटिसिटी क्या रह गई है जब सब इस तरह से फिक्स होने लगा है। डिस्गस्टिंग, जब सब इस तरह से फिक्स होने लगा है। हॉल में मौजूद हर आदमी जजेस को बहुत गुस्से और घृणा से देख रहा था। जो थोड़े बहुत ईशा के फैंस थे उनको भी बड़ा धक्का लगा। ऑडियंस में से एक लड़की बोली, मैं ईशा मैम की बहुत बड़ी फैन थी, मुझे उनके डिजाइन बहुत पसंद थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना गंदा खेल खेलती हैं जीतने के लिए। फिर भीड़ में से आवाजें उठने लगी, ईशा रायसेना शेम शेम, अपनी ट्रॉफी वापस करो, तुम ये डिजर्व नहीं करती, निकल जाओ यहां से। पूरे हॉल में शोर मच गया। ईशा बुरी तरह कांप रही थी, वो बौखलाहट में चिल्ला चिल्ला कर सबको बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने टैलेंट से ये कॉम्पिटिशन जीता है, इस ब्राइड में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है अपने डिजाइन तैयार करने में। रोशन मुंह लटकाए खड़ा था, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था।
और माथे पर पसीना था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये वीडियो शूट किसने किया, क्योंकि इस डील को तो उसने बहुत सीक्रेट रखा था। ईशा को चिल्लाते देख रोशन भी ईशा को सपोर्ट करते हुए बोला, ये सब के सब झूठ वीडियोस हैं, मैं नहीं जानता ये कैसे बनाए गए और मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी को रिश्वत देने की। ईशा पिछले 2 बार की चैंपियन है, उसका जीतना तो तय था। उसके डिजाइंस आउटस्टैंडिंग है। जिन जजेस को वीडियो में रिश्वत लेते दिखाया गया उनमें से भी एक बोलने लगा, ये बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्शनली टैलेंटेड है वो ऑलरेडी 2 बार विनर रह चुकी है, उनको क्या जरूरत थी ये सब करने की, ये वीडियो झूठे ही हैं। कुछ लोग जो ईशा को पसंद करते थे वो लोग भी सोच में पड़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई फेक और मैनिपुलेटेड वीडियोस हो। अभी ऑडियंस में खुजूर-खुजूर चल ही रही थी कि स्क्रीन पर एक और वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में ईशा एक लड़की को बोल रही थी, ये रखो 20,000 और सारे डिजाइंस मेरे हुए, और अगर तुमने मुझे डिजाइंस नहीं दिए तो मैं तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिलने दूंगी। उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैंने बहुत मेहनत से डिजाइन बनाया है, इस तरह आप डिजाइन मुझसे नहीं ले सकते। ईशा ने उसे गुस्से में कहा, तुम मुझे मना करने की हिम्मत कर रही हो, तुम्हें आइडिया भी है मैं इस फैशन इंडस्ट्री में तुम्हारा करियर खत्म कर सकती हूँ। चुपचाप से ये 20,000 उठाओ और ये डिजाइन यहां छोड़ो, निकल जाओ। फिर एक के बाद एक कुछ और वीडियोस दिखाए गए, उन सब में ईशा डरा धमका कर या पैसे देकर अननोन डिजाइनर्स की डिजाइन जबरदस्ती खरीद रही थी। जो लोग अब तक सोच रहे थे कि ईशा टैलेंटेड है और पिछले 2 सालों से चैंपियनशिप जीतती आई है और हो सकता है इस बार भी उसे फंसाया जा रहा हो, ये वीडियोस देखकर उनको भी समझ आ गया कि पिछले 2 बार भी वो कैसे जीती होगी। सारी ऑडियंस शॉक्ड थी, भीड़ अब वायलेंट होना शुरू हो गई। लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनको इतने समय से बेवकूफ बनाया जा रहा था, ना तो डिजाइन ईशा के थे और ना वो उतनी कैपेबल थी, सब कुछ पैसे और पावर के बल पर किया गया था। ईशा समझ चुकी थी कि उसकी करियर और रेपुटेशन की सारी धज्जियां उड़ चुकी हैं। उसके पैर कपकपाने लगे और वो लगभग बेहोश होने जैसी हालात में जमीन पर गिर गई। भीड़ से आवाजें तेज होनी शुरू हो गई, ये झूठी है इसे बाहर निकालो, ये झूठी है इसे बाहर निकालो। एक और आवाज आई, ये यहां खड़ा होना डिजर्व नहीं करती, इसको धक्के मारकर बाहर निकालो, इसके खिलाफ केस करो, बहुत घटिया है ये लोग। पूरी भीड़ वायलेंट होकर चिल्लाने लगी, बाहर निकालो इन बेशर्मों को, बाहर निकालो इन बेशर्मों को। भीड़ को काबू से बाहर होता देख रोशन को भी अब डर लगने लगा था। माथे का पसीना पहुंचते हुए उसने कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक अब सरकास्टिक स्माइल के साथ रोशन को ठीक वैसे ही देख रहा था जैसे रोशन अभी कुछ देर पहले कार्तिक का मजाक उड़ाते हुए उसे देख रहा था। रोशन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इवेंट्स इस तरह से टर्न आउट होंगे, सब कुछ उसके हाथ से यूं ही निकल जाएगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को संभाले कैसे। इतने में उसका सबॉर्डिनेट उसके पास भागता हुआ आया और बोला, सर हमारी कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। रोशन ने पैनिक होकर पूछा, कितने गिर गए? सर 10%। अगले ही पल वो बोला, सर 20%। आधा मिनट बीता नहीं था कि वो फिर से बोला, सर 40%। अब रोशन के भी पैर कांपने लगे। उसका सबॉर्डिनेट हाथ में अपना टेबलेट लेकर खड़ा था, उसके चेहरे का रंग उड़ रहा था। साफ पता चल रहा था कि कंपनी के शेयर्स अभी और नीचे गिर रहे हैं। जब रोशन और ईशा के चैंपियनशिप जीतने का अनाउंसमेंट हुआ उससे डबल तेजी से अब नीचे गिर रहे थे। कुछ ही मिनटों में रोशन की कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो चुका था। हर तरफ इतना क्यूज क्रिएट होता देखकर मिस्टर थॉमस स्टेज पर चढ़े। उन्होंने होस्ट के हाथ से माइक लिया और सबको शांत रहने की रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आप लोग शांत हो जाएं, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं मानता हूं कि कंपटीशन में बड़ी धांधली करने की कोशिश की गई है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने सब कुछ संभाल लिया है। आप उन 23 जजेस को देख रहे हैं जिन्होंने रिश्वत ली, पर 7 ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी तरीके के दबाव में आने से मना कर दिया और फेयर प्ले किया। इसलिए मैं अब कंपटीशन को आगे बढ़ाते हुए बाकी जजेस के साथ मिलकर फिर से अनाउंस करता हूं,
मिस ईशा राय सेना से चैंपियंस ट्रॉफी वापस ली जाती है और उनकी मैल प्रैक्टिस की वजह से किसी भी फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मिस ईशा राय सेना को फॉर द लाइफ टाइम बैन किया जाता है। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, बट शो मस्ट गो ऑन। अब हम इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन की रियल विनर का नाम अनाउंस करने वाले हैं, मिस कियारा पटेल। कियारा पटेल इस चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रू डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। कियारा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके नाम की अनाउंसमेंट हो रही है। खुशी से उसका बदन कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कार्तिक की तरफ देखा और पूछा, क्या मैं सच में चैंपियनशिप जीत गई हूं या ये कोई सपना है? कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कियारा ये ट्रॉफी तुम्हारी है, जाओ और पूरे प्राउड के साथ अपनी ट्रॉफी को लिफ्ट करो, तुम इसे डिजर्व करती हो। कियारा इतना ज्यादा भावुक हो चुकी थी कि हंसते हंसते रो रही थी। अचानक कियारा स्टेज पर जाते जाते मुड़ी और कार्तिक के पास आकर उसने उसके होठों पर होठ रख दिए। उसके इस जेस्चर से कार्तिक एकदम सरप्राइज रह गया, पर अगले ही पल उसने कियारा को बाहों में भरकर ऊंचा उठा लिया। पूरे हॉल में एक बार फिर से तालियां गूंजने लगी, लोग खुश होकर दोनों की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगे। कियारा और कार्तिक को इस तरह किस करते देख रोशन गुस्से में पूरी तरह जलने लगा। कुछ देर पहले ये चैंपियनशिप, उसकी कंपनी का फ्यूचर, सब कुछ उसके हाथ में था, पर अब पलक झपकते ही सब कुछ उससे छीन लिया गया। सब कुछ इतना बुरी तरीके से बर्बाद किया गया कि अब शायद ही कभी रिकवरी हो पाए। रोशन गुस्से में पागलों की तरह कार्तिक पर चिल्लाया, मैं जानता हूं ये सब तेरा किया धरा है, सारी साजिशें तूने मेरे खिलाफ की थी। कार्तिक ने उसके चिल्लाने की तरफ ध्यान नहीं दिया और तसल्ली से कियारा को किस का रिस्पॉन्ड करता रहा। कियारा को लंबी किस देने के बाद वो रोशन की तरफ मुड़ा और अपने होठों पर अपनी टंग लगाते हुए बोला, विक्ट्री का टेस्ट तो माइंड ब्लोइंग है। तू बता, तुझे अपनी हार में स्वाद आया कि नहीं? कार्तिक के बोलते ही आसपास के लोग भी हंसने लगे। रोशन गुस्से में दांत पीसता हुआ कार्तिक से बोला, तू अपनी मौत को खुद बुला रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैंने इस दिन के लिए इतनी मेहनत की थी और तूने अपनी घटिया हरकतों से मेरे महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कार्तिक ने कहा, लोगों को रिश्वत देकर कंपटीशन को गलत तरीके से जीतना, लोगों को डरा धमका कर अपने फेवर में रिजल्ट करना, ये मेहनत नहीं होती, सरासर गुंडागर्दी है। रोशन ने पलट कर कहा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यूं खड़े खड़े धूल में मिला सकता है? तुझे अभी मेरे पैसे और पावर का अंदाजा नहीं है। होगा तू रईस, पर मेरे पास इतने सोर्सेज और वेल्थ हैं कि तुझे डिस्ट्रॉय कर सकूं। इतनी आसानी से तो मैं तुझे अब सब कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगा, बल्कि तुझे मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी रोशन नहीं। कार्तिक उसकी इस बात पर बहुत जोर से हंसा और बोला, वेल्थ? कौन सी वेल्थ? कल सुबह तक तू भिखारी हो जाएगा। किस खुश फैमिली में था तू कि तेरे शेयर्स स्टॉक मार्केट में रॉकेट की तरफ बढ़ रहे हैं? अबे बेवकूफ, वो मेरे लोग थे जो तेरे शेयर्स लगातार खरीद रहे थे और अब उसी को चिल्लर के भाव में बेच रहे हैं। तेरी कंपनी की स्टैंडिंग इतनी गिरने वाली है कि स्टॉक मार्केट में सबसे रद्दी तेरी कंपनी के शेयर माने जाएंगे। रोशन को अपने कानों पर यकीन नहीं आया, वो स्टंट था। कार्तिक ने इतना बड़ा गेम प्लान करके उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट कर लिया और उसको कानों कान खबर भी नहीं लगी। उसने पैनिक होकर कार्तिक से कहा, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। कार्तिक ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अभी तुझे मेरे पागलपन का अंदाजा नहीं है, अभी तो तेरी तबाही शुरू हुई है, आगे आगे देखता जा। इतने में रोशन का सबऑर्डिनेट स्टेज के नीचे से चिल्लाया, सर सिटी बैंक। क्या सिटी बैंक? रोशन के सबऑर्डिनेट के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने कहा,
सर न्यूज आई है कि सिटी बैंक ने अपना लोन रोक लिया है। उन्होंने हमारे सारे प्रिविलेज भी कैंसिल कर दिए। रोशन को ऐसा लगा कि जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब उसके भी पैर कांपने लगे। उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। सारा हॉल गोल गोल उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसको कुछ देर लगी खुद को संभालने में। फिर वो तेजी से चलता हुआ कार्तिक के पास आया और बोला, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मरूंगा तो तुझको मार के मरूंगा। याद रखियो, इस गलत फहमी में मत रहियो कि इस खेल में तू जीत गया। अपने जूते के फीते कसकर बांध ले बेटा, खेल तो अब शुरू हुआ है। कहते हुए रोशन तेजी से बाहर निकल गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। वॉलेट किंग था वो, कुछ ही मिनटों में बैंकरप्ट हो गया। सिटी बैंक ने अपने सारे फंड्स विड्रॉ कर लिए थे। रोशन की फैमिली ने अपने बिजनेस का सारा पैसा भी क्लोथिंग लाइन को लॉन्च करने में लगा दिया था और इसी क्लोथिंग बिजनेस की अब स्टॉक मार्केट में धज्जियां उड़ रही थी। लास्ट मोमेंट पर सिटी बैंक के बैकआउट कर जाने से रोशन की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल क्रैश कर गई थी। आसमान से जमीन पर आ गया था वो। रोशन गुस्से में उबल रहा था। इंपल्स में वो बाहर तो निकल गया पर कार्तिक पर अटैक करने के इरादे से उतनी ही तेजी से वापस आया। गुस्से के पागलपन में उसका ये हाल था कि वो कार्तिक को अपने हाथों से चीर फाड़ दे। पर रोशन कार्तिक की तरफ बढ़ते हुए ये भूल गया था कि वो खड़ा कहाँ है। ये रिजॉर्ट कार्तिक का ही है। यहाँ के सारे सिक्योरिटी पर्सोनल कार्तिक के लिए ही काम करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े सिक्योरिटी स्टाफ के होते हुए कार्तिक को कुछ हो जाए। जैसे ही रोशन गुस्से में कार्तिक की तरफ बढ़ा, कार्तिक के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एक्शन में आ गए। अगले एक मिनट में रोशन जमीन पर उल्टा पड़ा था। उसके दो दांत टूट चुके थे। मुंह से बुरी तरह खून बह रहा था। पूरा हॉल शॉक्ड था। पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था। सिर्फ रोशन की गालियां गूंज रही थी जो वो इस हॉल में कार्तिक को लगातार दिए जा रहा था। हॉल के बदले नजारे में फिर से खुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, लगता है ये रोशन कंपटीशन हार जाने के सदमे में पागल हो गया। तो कोई बोला, अरे इतनी बड़ी चैंपियनशिप उसके हाथ से चली गई, पागल तो होगा ही ना। तीसरे ने कहा, मैंने सुना है कि इसकी कंपनी के शेयर्स भी बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। वहां खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग पैनिक होकर बातें करने लगे। भीड़ में से कोई बोला, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास इसकी कंपनी के शेयर्स हैं। पहले वाला फिर से बोला, बेच दो जल्दी से जल्दी वरना नुकसान हो जाएगा। फिर वो शख्स जोर जोर से बोला, जिसके भी दोस्त और रिश्तेदारों के पास इसकी कंपनी के शेयर्स हैं उन्हें इन्फॉर्म करो, ये कंप्लीटली बैंकक्रप्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म हो चुका है इनका। रोशन आंखें फाड़ कर लोगों का रिएक्शन देख रहा था। कार्तिक घुटने के बल रोशन के पास बैठा और बोन चिलिंग टोन में बोला, तुझे पहले ही कहा था प्रोवोक मत कर मुझे, देख ले कैसी कुत्ते जैसी हालत हो गई है तेरी। रोशन ने खा जाने वाली नजरों से कार्तिक को देखते हुए कहा, तूने पीठ में छुरा खोपा है, इन घिनौनी साजिशों से तू अपने को हीरो साबित करना चाहता है। हर जंगल के कुछ उसूल होते हैं, तू लोमड़ी की चालें चलकर बच नहीं सकेगा। रोशन की उस बात पर कार्तिक जोर से हंसता हुआ बोला, उसूल, क्या बात है, उसूल, एथिक्स, रूल्स, ऐसी बातें तेरे जैसों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तू गंदगी का ढेर है रोशन, गंदगी को साफ करने के लिए गटर में उतरना ही पड़ता है। रोशन के मुंह से खून बह रहा था। उसके बावजूद उसके गुस्से में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। वो फुफकारता हुआ बोला, खुश होले कार्तिक, आज दिन तेरा है, पर टाइम मेरा भी जरूर आएगा, उस दिन तुझे पता चलेगा कि इस जंगल का असली शेर कौन है। जब मैं अपना पंजा मारूंगा, तू लोमड़ी की तरह दुम दबाकर भागेगा। कार्तिक ने उठते उठते रोशन को एक ठोकर मारी और इशारे से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उसे ले जाने के लिए कहा। उसके गार्ड्स रोशन को खींचते हुए हॉल से बाहर ले गए। हॉल के कोने में खड़ा हुआ राहुल ये सब चुपचाप देख रहा था। वो एक बार भी आगे नहीं आया और रोशन का हश्र देखकर पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल गया। वर्ल्ड फैशन कंपटीशन की हिस्ट्री में पहली बार ये शो इतने अजीब ढंग से वाइंड अप हो रहा था।
हर इंसान की जुबान पर कियारा, कार्तिक और रोशन थे। एक साथ इतना ड्रामा, स्कैंडल, कॉन्स्पिरेसीज आज तक किसी ने नहीं देखी थी। इवेंट खत्म होने के बाद मिस्टर थॉमस कार्तिक से मिले और कार्तिक को इन्फॉर्म किया कि वो अपनी कंट्री अमेरिका वापस जा रहे हैं। कार्तिक ने उनके सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक यू कहा। थॉमस जाते जाते सोच रहे थे, इतनी सी उम्र में ये लड़का इतना पावरफुल, इतना कॉन्फिडेंट है, आगे तो पता नहीं क्या होगा। मिस्टर थॉमस के जाने के बाद कार्तिक की सिक्योरिटी चीफ ने आकर उन्हें इन्फॉर्म किया, सर रोशन की कंपनी के सीईओ मिस्टर विजेंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। कार्तिक ये नाम सुनकर मुस्कुरा दिया। कार्तिक ने उस दिन अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर वो हमारे लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने को तैयार ना हो तो उसे खत्म कर देना। कार्तिक के लिए ये देखना इंटरेस्टिंग था आखिर विजेंद्र क्या इन्फॉर्मेशन लाया होगा, पर पहले उसे कियारा को यहां से भेजना था। कार्तिक ने कियारा की तरफ मुड़कर कहा, कियारा तुम हॉस्टल वापस जाकर आराम करो, इतने सारे तमाशे और टेंशन के बाद तुम बहुत थक गई होंगी, हम तुम्हारी विक्ट्री बाद में आराम से सेलिब्रेट करेंगे। पर कियारा ने छोटे बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, हाँ इस बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। कार्तिक कियारा की मासूमियत पर हंस पड़ा। कियारा को अभी तक अंदाजा नहीं हो पाया था कि कार्तिक की वर्थ इतनी है कि वो तकरीबन 3/4 दुनिया को खरीद सकता है। उसने आगे बढ़कर कियारा के माथे पर किस किया और कहा, ठीक है जो भी तुम्हें खुशी दे वो मुझे मंजूर है, पर अभी यहाँ पर कियोस क्रिएट हो चुका है, अभी तुम हॉस्टल वापस जाओ। रोशन के इंसिडेंट के बाद कियारा को वहां पर डर लग रहा था। उसने जाने के लिए हामे सिर हिलाया और साथ में जाने के लिए अपनी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट उठा लिए। कार्तिक ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा, मैम को सेफली हॉस्टल छोड़कर आओ। कियारा ने मुड़कर कार्तिक की तरफ बहुत प्यार से देखा और स्माइल करती हुई उनके साथ चली गई। उसके जाने के बाद कार्तिक ने अपने सिक्योरिटी चीफ को कहा, बुलाओ उस विजेंद्र को, देखे हमारे किस काम का। एक वॉकिंग स्टिक के साथ धीरे धीरे चलता हुआ कार्तिक के रूम में आया। कार्तिक को याद आया कि किस तरीके से उसके आदमियों ने उस दिन शंग्रीला के वॉशरूम में उसका पैर तोड़ दिया था। कार्तिक को अब उस पर रत्ती भर भी दया नहीं आई, ना ही कार्तिक ने उससे पोलाइटली बात की। उसने आते ही कार्तिक को सर झुकाकर ग्रीट किया। शंग्रीला वाले विजेंद्र और आज के विजेंद्र में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। वो जान चुका था कि कार्तिक क्या हस्ती है। रोशन की 30,000 करोड़ के बिजनेस के एम्पायर की जो हालत कार्तिक ने की थी वो विजेंद्र से छुपी हुई नहीं थी। इसके अलावा वो ये भी जानता था कि सिटी बैंक जैसा पावरफुल इंस्टीट्यूशन भी अब कार्तिक ही कंट्रोल करता है। उसको एक रफ आइडिया था कि कार्तिक की नेटवर्थ तकरीबन 8,00,000 करोड़ है, जिसका मुकाबला हिंदुस्तान में तो क्या पूरे दुनिया में शायद एक या दो ही लोग कर सकते हैं। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कार्तिक को आंख उठाकर भी देखे। वो आकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, गुड इवनिंग सर, आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। कार्तिक ने कहा, यकीनन, बताओ क्या काम आ सकते हो मेरे। विजेंद्र कार्तिक को इम्प्रेस करने के इरादे से बहुत उत्साह से बोला, सर मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लाया हूं जो आपको खुश कर देगी। कार्तिक ने इंपेशेंट होते हुए कहा, पॉइंट पर आओ जल्दी से, क्या इंफॉर्मेशन लाए हो। उस आदमी ने कुछ फाइलें कार्तिक के आगे रख दी। कार्तिक ने पूछा, क्या ये। वो बोला, सर ये रोशन की सारी कंपनियों के पिछले 20 साल के अकाउंट्स डिटेल हैं। कार्तिक ने झल्लाते हुए कहा, इसका मैं क्या करूं। वो आदमी जल्दी से बोला, सर ये सिर्फ अकाउंट्स डिटेल नहीं है, इसमें वो सारे प्रूफ हैं जिससे ये साबित होता है कि पिछले 20 सालों में उनकी कंपनी ने करोड़ों का टैक्स चोरी किया है। अगर ये बात अब खुलती है तो यकीनन उनकी सारी कंपनियों को सरकार द्वारा ताला लगा दिया जाएगा। ये बात सुनते ही कार्तिक की आंखें चमकने लगी। पहले वो सिर्फ रोशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर अब उसने सोच लिया कि रोशन की पूरी फैमिली पूरे बिजनेस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देगा। वैसे तो कार्तिक को पता था कि विजेंद्र की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन लेकर कार्तिक के पास आए। फिर भी डबल सिक्योर होने के लिए कार्तिक ने अपने फाइनेंस हेड को बुलाया। थोड़ी ही देर में उसका फाइनेंशियल हेड आ गया। विजेंद्र की लाइव फाइल्स को ठीक से देखने के बाद उसने कार्तिक को कहा, सर ये फुल प्रूफ एविडेंस है, रोशन की फैमिली का एक एक मेंबर इससे ट्रैप किया जा सकता है। उनके हर बिजनेस की माइन्यूट डिटेल्स और उसमें किए गए घपले
सब कुछ इसमें मौजूद है। कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अपनी फाइनेंस चीफ को कहा, मैं इसका जिम्मा अब आप पे छोड़ता हूँ। देखिए इसमें इनके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेना है। डायरेक्टली हमारा नाम सरफेस नहीं होना चाहिए, पर इनका कुछ बचना भी नहीं चाहिए। कार्तिक के फाइनेंशियल हेड ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सर मेरे लिए एक छोटा सा काम है, आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ये कहकर उसने फाइलें उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। कार्तिक ने विजेंद्र की तरफ देखकर अपने सबॉर्डिनेट को कहा, 3 करोड़ दो इनको और दरवाजे तक छोड़ दो। विजेंद्र थोड़ा सरप्राइज हुआ कि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बस 3 करोड़। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कार्तिक की बात काटे, फिर भी उसने धीरे से कहा, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कार्तिक ने बहुत रूडली रिप्लाई दिया, बोलो। कार्तिक की रूड टोन से वो सिहर उठा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मैंने ये काम पैसे के लिए नहीं किया, मैंने अपनी कंपनी को धोखा दिया है, वो लोग अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, 3 करोड़ का मैं क्या करूंगा, मैं आपकी कंपनी में आ जाता हूँ, आप लोगों के लिए काम करता हूँ, इस तरह मेरी जिंदगी भी बच जाएगी और मुझे आप जैसे महान इंसान के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। कार्तिक उसकी बात सुनकर अम्यूज हो गया और बोला, उल्लू का पट्टा समझाएगा मुझे, इतनी अकल तो मुझे भी है कि जो एक को धोखा दे सकता है वो दूसरे को भी धोखा दे सकता है। फिर एकदम से कार्तिक की टोन बदली और उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, 3 करोड़ की बजाय 30 करोड़ दे रहा हूं, इसे लो और यहां से चलते बनो, और दोबारा मुड़कर यहां मत देखना, मैं एक ही आदमी के साथ दोबारा काम नहीं करता, नाउ गेट लॉस्ट। कार्तिक की टोन इतनी क्रूअल थी कि विजेंद्र के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो चुपचाप उठा और कमरे के बाहर निकल गया। उसके जाते ही कार्तिक की सबॉर्डिनेट ने उससे कहा, सर ये बंदा काम का था, हम इसका और भी फायदा उठा सकते थे। कार्तिक ने उसे घूर कर देखा और पूछा, ज्यादा प्यार आ रहा है उस पर, तो उसके साथ तुम्हें भी बाहर निकाल दूं? सबॉर्डिनेट घबरा गया और बोला, नहीं सर आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कार्तिक ने गुस्से में कहा, शुक्र समझो मैंने उसे जिंदा जाने दिया, ऐसे आदमी जीने लायक नहीं होते, अब जाओ तुम भी बाहर का काम देखो। उसके होटल जाने के बाद कार्तिक ने चौहान अंकल को फोन किया, हेलो चौहान अंकल। चौहान अंकल ने उधर से कहा, कार्तिक जैसा तुमने चाहा था सिटी बैंक ने अपने सारे फंड्स और लोन्स विड्रॉ कर लिए हैं, रोशन की कंपनी के शेयर्स भी बुरी तरह गिर चुके हैं, अब वो लोन भी रीपे नहीं कर पाएंगे, उनके बाकी बिजनेस में भी इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बची नहीं है कि उनसे लोन चुक सके। कार्तिक ने पूछा, अंकल इस सब में हमको कितना लॉस हुआ है? उधर से अंकल चौहान हंसते हुए बोले, जितना हुआ है उसे 10 गुना रोशन की सारी एसेट्स को बेचकर रिकवर किया जाएगा। कार्तिक ने चौंकते हुए पूछा, रोशन की एसेट्स से रिकवरी होगी? चौहान अंकल बोले, हाँ क्योंकि लोन का अमाउंट इतना बड़ा था कि उसे लेने के लिए उनको अपने लगभग सारे मेजर एसेट्स गिरवी रखने पड़े थे, लोन की रिकवरी के लिए उनके सारे एसेट्स को जब्त किया जाएगा, तुम खुश हो जाओ, वो सिर्फ फाइनेंशियली क्रैश नहीं हुआ है बल्कि उसकी सारी कंपनियां अब से तुम्हारी हैं। कार्तिक इस बात पर जोर से हंसा और उसने थैंक यू अंकल कहकर फोन काट दिया। फोन रखने के बाद कार्तिक अपनी चेयर पर बैठा, चेयर को गोल घुमाने लगा, अपनी विक्ट्री को एंजॉय करने लगा। खुद से बातें करता हुआ कार्तिक बोला, मैं तो इसको भिखारी बनाना चाहता था, इसकी सारी कंपनियां मेरी हो जाएंगी, ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो एक तीर से 2 निशाने लग गए। कार्तिक ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान मैं कितना अच्छा इंसान हूं, इन भिखारियों को अगर मैं जेल नहीं भेजता तो सड़क पर भूखे मर जाते, कम से कम मेरी वजह से जेल की रोटियां तो मिलेंगी। ये कहकर कार्तिक और भी जोर जोर से हंसने लगा। जहां कार्तिक बहुत खुश था वहां रोशन के घर में मातम का माहौल था। रोशन के पापा उस पर बुरी तरह चिल्लाते हुए कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आता तुमने ये सब किया है, चैंपियनशिप तुम हार गए, मार्केट में हमारे शेयर गिर रहे हैं और पता नहीं कहां कहां से ऐसे लड़ झगड़ कर तुम मुंह तोड़वा कर आए हो, गॉड नोज हमारे खानदान की इज्जत का कोई ख्याल भी है कि नहीं। रोशन चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। उसके पापा गुस्से में चीखे, अब तुम मुझे समझाओगे आखिर ऐसा क्या हुआ जो हम अपनी रेपुटेशन और अपना बिजनेस इस तरह से गंवा रहे हैं?
रोशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दे। उसे चुप देखकर उसके पापा का गुस्सा और बढ़ गया। यू इडियट, मेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि मैंने सारा बिजनेस एम्पायर तुम्हें सौंप दिया। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। फॉर गॉड से मुझे ये बताओ कि सिटी बैंक का इशू क्या है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो किस लिए लास्ट मिनट पर बैकआउट कर गए। तुम अभी के अभी जाओ और सिटी बैंक के प्रेसिडेंट कार्तिक मित्तल से मीटिंग करके इस पूरे मामले को जल्दी से सॉर्ट आउट करो। रोशन ने अभी जो सुना उसे अपनी खानों पर यकीन नहीं आया। कार्तिक मित्तल सिटी बैंक का प्रेसिडेंट। रोशन अब तक समझ रहा था कि कार्तिक ने सिटी बैंक के हाई ऑफिशियल्स को पैसे देकर अपने साइड किया होगा, पर ये तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सिटी बैंक कार्तिक का हो चुका है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके पापा एक बार फिर चिल्लाए, सांप सूंघ गया क्या? मैं जो बोल रहा हूं सुन नहीं रहा तू? जाकर कार्तिक मित्तल से मीटिंग कर और इस मैटर को निपटा। अभी वो बस चिल्ला रहे थे कि उनके गार्ड ने आकर कहा, सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कुछ लोग आए हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए 02 हीरो। एपिसोड 29, नो थैंक्स नो सॉरी। रोशन के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी कि सिटी बैंक का प्रेसिडेंट कार्तिक है। वो भौचक्का रह गया। अपने पापा को कार्तिक के बारे में कुछ कह पाता इसके पहले ही गार्ड ने आकर इनकम टैक्स वालों के आने की खबर दी। रोशन का माथा ठनक गया। इनकम टैक्स वालों के आने की खबर सुनकर रोशन के पापा को बहुत हैरानी हुई। उनकी कंपनी में सालों से की जाने वाली टैक्स चोरी की बखूबी जानकारी उनको भी थी। टैक्स के अलावा भी उनके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो बेशुमार मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे हैं, पर अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और पैसों से इतना ह्यूज कनेक्शंस का नेटवर्क इन्होंने खड़ा कर लिया था कि अब इस तरह की जांच एजेंसियों से उनको डर नहीं लगता था। उन्होंने रोशन की तरफ देखा। उनके माथे पर पसीना छलक रहा था और चेहरा बिल्कुल उतर गया था। रोशन के पापा गुस्से में बोले, तू मेरी औलाद नहीं हो सकता। जरा जरा सी बात पर तुझे पसीना आने लगता है। मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। कहकर वो बाहर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। बाहर इनकम टैक्स वाले उनके घर में घुस चुके थे। उनके साथ बहुत बड़ी पुलिस फोर्स भी थी। वो सारे घर में इस तरह फैलते जा रहे थे जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ने आए हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर रोशन के पापा भी शॉक्ड रह गए। उन्होंने इंस्पेक्टर को एड्रेस करते हुए कहा, कहां घुसे आ रहे हैं आप सब? किसने परमिशन दी आपको इस तरह मेरे घर में आने की? पुलिस ऑफिसर आगे आकर बोला, मिस्टर सिन्हा, हमारे पास आपके घर का सर्च ऑर्डर है और साथ ही आपको और आपके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए वारंट भी है। रोशन के पापा मिस्टर सिन्हा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इतने सालों में आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई उनसे ऊंची आवाज में बात करें। इस तरह घर में घुसकर अरेस्ट करना तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इंस्पेक्टर को हड़का कर पूछा, किस बात का वारंट? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, मिस्टर सिन्हा, करोड़ों के टैक्स चोरी के अलावा बहुत से गलत काम किए हैं आपने। करप्शन के चार्जेस हैं आप पर। मिस्टर सिन्हा एकदम अकड़ कर बोले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब मेरे खिलाफ अपोजिशन वालों की साजिश है। इंस्पेक्टर ने कहा, आपने क्या किया है और क्या नहीं ये आप कोर्ट में प्रूव करते रहिएगा। अभी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आपकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज पर भी रेड की गई है। ये घर भी अब से हमारे अंडर में है। अगर आप हमें रोकने की कोशिश करते हैं तो आपके अगेंस्ट चार्जेस और संगीन होते चले जाएंगे। रोशन के फादर को समझ में आ गया था कि इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है, वरना इतने हाई फाई पॉलिटिकल कनेक्शंस होने के बाद भी उन पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था। उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? इंस्पेक्टर ने मिस्टर सिन्हा के सवाल को इग्नोर कर दिया और अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देते रहे। जब रोशन के फादर इंस्पेक्टर से बहस कर रहे थे, वो लगातार उन सब नंबरों पर फोन मिला रहा था जहां से मदद मिल सकती थी, पर उसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था कि कोई भी उसका फोन पिक नहीं कर रहा था। ना कमिश्नर, ना होम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, जिन लोगों के साथ रोज का उठना बैठना था, वो सब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे रोशन की फैमिली को तो जानते ही नहीं। रोशन के फादर रोशन के चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर समझ गए थे कि कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। जो करना होगा खुद ही को करना होगा। उन्होंने पुलिस वाले से डायरेक्ट बात की, तू जानता है ना किस पर हाथ डाल रहा है? सर्च वारंट लाने से क्या होता है, तुझे पता होना चाहिए। मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा सकता हूँ। पुलिस ऑफिसर जोर से हंसा और बोला, हाँ आपके इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, उनमें से एक कॉन्टेक्ट आपका फोन तक नहीं उठा रहा।
सब रुतबा टाइट एफिस हो गया। तभी रोशन ने अपने पापा को कहा, डैड मुझे नहीं लगता कि अब कोई हमारा साथ देगा। कार्तिक के कनेक्शंस बहुत टॉप तक है। रोशन के पापा ने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन कार्तिक? रोशन ने जवाब दिया, डैड वही कार्तिक मित्तल जो सिटी बैंक का प्रेसिडेंट है, वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है। कुछ समय से मेरी लड़ाई चल रही थी उससे। मैं नहीं जानता था कि उसके पीछे इतने बड़े लोग हैं। ये सब वो ही करवा रहा है। रोशन के इतना बोलते ही उसके पापा ने खींच के थप्पड़ मारा और कहा, तो ये सब तेरी बेवकूफी की वजह से हो रहा है? झगड़े मोल लेने से पहले आदमी का बैकग्राउंड चेक नहीं करता क्या तू? बिगड़ैल सांड की तरह हर किसी को सिंग मारता फिरता है। तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? बाप बेटे की बहस देख इंस्पेक्टर बीच में बोला, तुम्हारा फैमिली ऑपेरा खत्म हो गया हो तो अब चले थाने चलने की तैयारी करो। कनेक्शंस का पैंतरा फेल होते देख रोशन के फादर ने पैसों का कार्ड खेला। मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, अपने सब आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ और इस केस को रफा दफा कर दो। पुलिस वाले ने सरप्राइज होकर रोशन के फादर को देखा और कहा, मिस्टर सिन्हा, 1 करोड़ जैसी चिल्लर दिखाकर आपको लगता है कि आप मुझे खरीद लेंगे? रोशन के पापा को लगा कि उसको 1 करोड़ रुपए कम लग रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है 5 करोड़ देता हूँ, इस सारे नाटक को बंद करवाओ अभी के अभी। इंस्पेक्टर अब जोर जोर से हंसने लगा। रोशन के फादर इरिटेट होते हुए बोले, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम मुंह खोलो, तुम क्या चाहते हो? अपनी कीमत बताओ। एक बार इंस्पेक्टर ने जलती हुई नजरों से उन्हें घूरा और बोला, तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले तेरी इस बिगड़ी सुअर औलाद ने एक जरा से झगड़े पर मेरे बेटे को इतना मारा था कि उसे ठीक होने में 6 महीने लग गए थे। तब मैं तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया था, पर अब मुझे मौका मिला है। 5 करोड़ छोड़, 50 करोड़ भी देगा ना, तब भी तुम दोनों बच नहीं सकते। तुझे और तेरे बेटे को कुत्तों की तरह घसीटता हुआ यहां से लेकर जाऊंगा। रोशन के फादर ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि कुछ साल पहले इंस्पेक्टर के बेटे से रोशन का झगड़ा हुआ था, जिसे सुलटाने में उसके बहुत पैसे खर्च हुए थे। अब इतने साल बाद ये दुश्मनी इस तरह भारी पड़ेगी, उसने सोचा नहीं था। उसका मन कर रहा था कि रोशन का मुंह तोड़ दे, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में अपने जूनियर्स को ऑर्डर दिया, हथकड़ी पहनाओ इन दोनों बाप बेटों को और जीप तक घसीटते हुए लेकर जाना, वो भी इस तरह के आसपास सारी पब्लिक तमाशा देखे। इंस्पेक्टर ने जानबूझकर पुलिस की जीपें सड़क पर खड़ी करवाई थी, घर के अंदर पोर्च में नहीं। वो उन दोनों को हथकड़ियां लगाकर घसीटता हुआ बाहर सड़क की तरफ ले गया। उसके बाद पुलिस की जीपों का काफिला वहां से ऐसे निकला जैसे वो लोग किसी बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ कर ले जा रहे हो। जब उन दोनों को पुलिस लेके जा रही थी तो उनके घर से थोड़ी दूर पर अपनी स्पोर्ट्स कार में राहुल बैठा हुआ ये सब देख रहा था। उसको ये सोचकर अब कंपकंपी छूट रही थी कि आखिर कार्तिक की पहुंच कहां तक है। उधर कार्तिक के फाइनेंशियल हेड ने उसे फोन करके कहा, सर रोशन और उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके खिलाफ एविडेंस इतने पुख्ता हैं कि अब उनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। वो लोग बड़े से बड़ा लॉयर क्यों ना कर लें, उनको सजा मिलकर रहेगी। कार्तिक ने पूछा, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस बड़े हाई हैं और अभी आई एम श्योर कि उनके पास इतना पैसा तो होगा कि वो सिस्टम में लोगों को खरीद सके। उस सबके बारे में तुमने क्या किया? उधर से फाइनेंस हेड ने जवाब दिया, वेल्थ तो उनकी सारी पानी हो चुकी सर, कुछ नहीं बचा उनके पास। और रही कनेक्शंस की बात, तो जिसके पास पैसा नहीं होता उसका कोई कनेक्शन काम भी नहीं आता, सब मुंह फेर लेते हैं। यही इस दुनिया का सबसे ताकतवर सच है। इस समय सोसाइटी में आपकी पोजीशन किसी से छुपी नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके अगेंस्ट जाए। रोशन की सारी कंपनियों के शेयर्स बुरी तरह गिर चुके हैं और बैंक ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज को लोन रिकवरी के अगेंस्ट सीज कर दिया है। कार्तिक उसकी बात सुनकर हंसा और कहा, सुपर्ब, देखना किसी हाल में ये लोग जेल से बच ना पाए, इनका जो कुछ भी बचा रह गया हो वो सब डिस्ट्रॉय कर दो। ये कहकर कार्तिक ने फोन काट दिया। कौन सोच सकता था कि सॉफ्ट सा दिखने वाला कार्तिक अपने एक्शंस में इतना रूथलेस हो सकता है। उसके बाद कार्तिक ने अपने सबॉर्डिनेट्स को बुलाया और कहा, मैं वापस हॉस्टल जा रहा हूं, यहां कर तुम संभाल लेना। ये कहकर कार्तिक रिजॉर्ट से बाहर की तरफ चल दिया। रिजॉर्ट अब आउटसाइडर्स के लिए खोल दिया गया था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही कार्तिक को लॉबी में साशा दिखाई दी। वो बहुत हड़बड़ाई हुई सी लग रही थी। कार्तिक जानता था साशा कियारा की बहुत करीबी दोस्त है ही और नील भी उसे बहुत पसंद करता है। उस दिन शंग्रीला में जब सारे दोस्त साथ थे तब कार्तिक को भी साशा एक सेंसिटिव लड़की लगी थी। साशा डरी हुई थी, उसके पीछे एक मिडिल क्लास एज मोटा सा आदमी था। वो पीछे से चिल्लाया, बात क्यों रही हो? मैंने जो स्पॉन्सरशिप ऑफर की है उसके बारे में सोचो तो। साशा ने पलट कर उससे कहा,
सर आप हमारे कॉलेज इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आई अप्रिशिएट दैट, पर जो आप बदले में चाहते हैं वो नहीं हो सकता। वो आदमी गुस्से में बोला, सिर्फ स्पॉन्सरशिप के नाम पर तुम्हें इतने कोई पैसे नहीं देगा, हालांकि 10 लाख मेरे लिए कुछ नहीं है, पर शर्त यही है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। वो आदमी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा था। साशा ने उसे सख्ती से कहा, सॉरी सर ये इम्पॉसिबल है, आप अपनी स्पॉन्सरशिप अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। उसने आगे बढ़कर साशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अमाउंट डबल कर दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। साशा ने अभी तक कार्तिक को नहीं देखा था, पर कार्तिक वहां साइड में खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। उस आदमी ने जैसे ही साशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, कार्तिक ने आगे बढ़कर उसे खींच कर थप्पड़ मारा। वो आदमी लड़खड़ाकर पीछे हट गया और चिल्लाता हुआ बोला, Who the bloody hell are you? कार्तिक उस पर दहाड़ता हुआ बोला, खबरदार जो लड़की को हाथ लगाने की कोशिश की। वो आदमी कार्तिक के टोन से हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम किस लिए बीच में टांग अड़ा रहे हो? होते कौन हो तुम हमारे बीच में बोलने वाले? उस आदमी ने फिर से साशा की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं अमाउंट 3 गुना कर दूंगा, सोचो तुम्हें 30 लाख देने को तैयार हूं, इतने में तो तुम जैसी 30 लड़कियां मिलती हैं, और तुम इतने नखरे दिखा रही हो। उस आदमी की आंखों में लस्ट भरी हुई थी, साशा की खूबसूरती पर वो पूरी तरह फिदा था। कार्तिक ने अब की बार उसके पेट में लात मारते हुए कहा, बहरा है क्या साले, समझ नहीं आ रहा तेरे को एक बार में, ये घटिया वादे बंद कर, नहीं तो यही फाड़ कर गाड़ दूंगा तुझे। अब की बार कार्तिक की टोन इतनी ज्यादा क्रूअल थी कि वो आदमी सिहर उठा। उसे लग तो गया कि किसी गलत आदमी से पंगा ले रहा है, फिर भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मेरे और लड़की के बीच से हट जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, कहकर उसने कार्तिक पर हाथ उठाने की कोशिश की। पर इससे पहले वो कार्तिक तक पहुंचता, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम से आ गए। अगले ही मिनट वो मोटा आदमी जमीन पर हाय हाय करता हुआ पड़ा था। उस आदमी को समझ नहीं आया कि एकदम से उसके साथ ये क्या हुआ। उसका रोना निकल आया। इस बार उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ इस लड़की से बातें करना चाहता था, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों मारा जा रहा है। कार्तिक ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया, उठाकर बाहर फेंको इसको, तबीयत से सिकाई करो, दोबारा रिजॉर्ट के आसपास दिखे तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना। कार्तिक ने उसके बाद साशा की तरफ देखकर गुस्से में पूछा, कैसे कैसे लोगों से स्पॉन्सरशिप मांगने आ जाती हो, किस बात की स्पॉन्सरशिप चाहिए तुम्हें? साशा की आंखों से सारे तमाशे के बाद अब आंसू टपक रहे थे, वो डर से कांपने लगी थी। कार्तिक ने उसे चुप देखकर कहा, बोलो भी क्या बात है, किस चीज की स्पॉन्सरशिप चाहिए तुम्हें? उसने कार्तिक से पूछा, क्या तुम्हारे आदमी उसे मार डालेंगे? इतने सब के बाद भी उसे उस आदमी की फिक्र है। कार्तिक ने साशा को कहा, वैसे तो उस जैसे लोग जिंदा रहने के लायक नहीं होते, पर मैंने अभी सिर्फ उसे डराया है, थोड़ी बहुत पिटाई करके छोड़ देंगे, तुम छोड़ो उसकी बात, ये बताओ कि किस तरह की स्पॉन्सरशिप चाहिए तुम्हें? साशा ने बताया, हम लोग साउथ के जंगलों में 3 दिन का एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं, जिसमें हम एनवायरमेंट सेविंग के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इसमें हम काफी सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं, फंड्स की शॉर्टेज थी, मैंने सोचा कि स्पॉन्सरशिप ढूंढने की कोशिश करती हूँ। इस आदमी से फोन पे बात हुई, इसने यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा आदमी निकलेगा, इसने फोन पर तो बहुत अच्छे से बात की थी। कार्तिक साशा को देखते हुए बोला, बेवकूफ हो तुम, ऐसे अकेले किसी के भी साथ मीटिंग करने आगे से कभी मत आना। इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत है तुम्हें? साशा ने कहा, इस आदमी ने 10 लाख की बात की थी, 5 लाख कहीं और से अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। कार्तिक ने कहा, मैं 30 लाख देता हूँ, वहां जाने का ट्रांसपोर्ट, खाना, बाकी एक्टिविटीज भी सब मेरी तरफ से। साशा बहुत हैरान हुई, उसने कार्तिक से कहा, पर 30 लाख तो बहुत ज्यादा है। कार्तिक ने उसे बोला, तुम अच्छे से अच्छे अरेंजमेंट्स करो, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाओ, और जो पैसा बच जाए उसे किसी अगले इवेंट के लिए इस्तेमाल कर लेना। ऐसा कहते हुए कार्तिक ने रिजॉर्ट के सीईओ को बुलवाया। साशा समझ नहीं पा रही थी कि वो रिएक्ट क्या करे। इतने में ही रिजॉर्ट का सीईओ वहां आ गया। कार्तिक ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। वो आगे बढ़कर साशा के पास आकर बोला, आप अपने इवेंट की पूरी डिटेल्स हमें रिटर्न में सबमिट कर दीजिए, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से सब कुछ सैंक्शन करवा देता हूँ, आपका पूरा इवेंट हमारा रिजॉर्ट स्पॉन्सर करेगा। साशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, कार्तिक ये बहुत बड़ा फेवर है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हें थैंक्स कहूं। कार्तिक ने उसे बहुत अपने पन से कहा,
दोस्तों का क्या ही थैंक यू और क्या ही फेवर। बल्कि आगे से तुम्हें जब भी इस तरह के इवेंट्स करने हो, इधर उधर जाने की बजाय पहले मुझसे बात करना। साशा ने हाँ में सर हिला दिया। फिर कार्तिक ने उससे कहा, मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ, आओ तुम भी साथ चलो, तुम्हें भी हॉस्टल छोड़ दूंगा। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, पर सब कुछ ठीक था नहीं। उधर चौहान अंकल के पास फोन आया, जिसे सुनने के बाद चौहान अंकल के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो। कार्तिक के लिए रिसॉर्ट में साशा से मिलना एक कोइंसिडेंस था, पर साशा का कार्तिक से यूं मिलना उसके लिए बहुत लकी। कार्तिक ने न सिर्फ उसे घटिया आदमी से बचाया, बल्कि साशा को अपने कॉलेज के इवेंट के लिए उसे शानदार स्पॉन्सरशिप भी मिल गई। कार्तिक और साशा अब कॉलेज जा रहे थे। साशा ने कार्तिक के साथ बुगाटी में बैठते ही पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कार्तिक, उस रिसॉर्ट के सीईओ ने तुम्हारे कहते ही पल भर में मुझे इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप दे दी, तुम्हारा दोस्त है क्या वो? कार्तिक जोर से हंस दिया और बोला, दोस्त नहीं, एम्प्लॉय है, ये रिसॉर्ट मेरा ही है। साशा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बात कर रहे हो, दिल्ली एनसीआर का सबसे रॉयल रिसॉर्ट है यार, इसे देखने का लालच तो मैं भी नहीं छोड़ पाई, तभी तो उस आदमी के बुलावे पर मैं यहाँ आ गई, सोचा कि इस बहाने रिसॉर्ट भी देख लूंगी। तुम इस रिसॉर्ट के ऑनर हो, कार्तिक हंसते हुए बोला, तुम्हें अब भी कोई डाउट है क्या? मेरी एक इंस्ट्रक्शन पर उसने तुम्हें 30 लाख का एग्रीमेंट दे दिया, और अब से यहाँ आने के लिए तुम्हें किसी के इन्विटेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम दोस्त हो मेरी, कभी भी यहाँ आ सकती हो। कार्तिक के इतने स्वीट जेस्चर पर साशा बहुत इमोशनल हो गई। थोड़ी देर चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना चल रहा है, तुम अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए? मुझे ना सब फेरी टेल जैसा लग रहा है कार्तिक। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम एनवायरमेंटल कैंप में हमारे साथ चलना चाहोगे? कार्तिक ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इन छुट्टियों में मेरे पास करने के लिए कुछ खास है नहीं, मुझे भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम डिटेल्स भेज देना प्रोग्राम की। साशा ने खुश होते हुए कहा, हाँ भेज दूंगी, आई एम श्योर तुम्हें बहुत मजा आएगा। फिर वो इधर उधर की बातें करते हुए हॉस्टल पहुंच गए। कार्तिक ने उसे गर्ल्स हॉस्टल उतारा और अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ गया। कार्तिक ने जैसे ही अपने कमरे में एंटर किया, कोई जोर से उसके ऊपर कूदा। रिफ्लेक्स एक्शन में कार्तिक ने उसे पीछे धक्का दिया। नील कह रहा था, वो जमीन पर गिर गया और बोला, अबे पागल है क्या, कमर तोड़ दी, मैं तो तुझे सरप्राइज हक दे रहा था। कार्तिक जो एकदम से हक्का बक्का रह गया था, अब हंस पड़ा। उसने प्यार से नील को डांटते हुए कहा, अबे ये हक करना होता है, साले डरा दिया तूने। कमरे में वो दोनों दोस्त भी थे जो उस दिन शंग्रीला में गए थे। उनमें से एक बोला, यार हमें तो तू अपना चेला बना ले, हमने उस फैशन कंपटीशन इवेंट का लाइव टेलीकास्ट देखा था, यू वर डैम गुड बॉस, सबकी फाड़ रखी थी तूने तो। कार्तिक के दूसरे दोस्त ने भी उठकर कार्तिक की तरफ पीट की और आगे झुककर अपनी पैंट नीचे करके थ्री इडियट का सीन रिपीट करते हुए कहा, तुसी ग्रेट हो जहां बना। उसकी इस हरकत से कमरे में हंसी की फुलझड़ियां छूटने लगी, सब खिलखिलाकर हंस दिए। नील ने कार्तिक को कहा, अभी मैंने खिड़की से देखा तूने साशा को गर्ल्स हॉस्टल के सामने उतारा, कहां मिल गई थी वो तुझे? कार्तिक मुस्कुरा दिया, उसे पता था कि नील साशा को बहुत पसंद करता है, इसलिए उसने उसे सब कुछ सही बता दिया, कैसे वो रिसॉर्ट में मिली, वहां क्या हुआ और फिर उसे अपने साथ कैसे ले आया। नील ने खुश होकर कार्तिक को एक बार फिर से गले लगा लिया। तभी कार्तिक का दूसरा दोस्त बोला, यार कार्तिक ट्रॉफी जीतने के बाद तूने और कियारा ने कमाल का रोमियो जूलियट सीन क्रिएट किया था भाई स्टेज पे। कार्तिक एक पल के लिए चौंका, फिर उसे याद आया कि वो उस किस की बात कर रहा है जो ट्रॉफी जीतने के बाद कियारा ने उसे दी थी। कार्तिक मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। वो दोस्त फिर से बोला, यार तेरे को तो लड़की मिल गई, अब हमारी भी सेटिंग करा दे ब्रो। इस पर उसका दूसरा दोस्त बोलता है, अबे तू इतने बड़े रिसॉर्ट का मालिक है, वहां तो इतनी सारी लड़कियां काम करती है, कॉलेज की ना से अपनी किसी एम्प्लॉय से हमारी सेटिंग करवा दे। कार्तिक ने उसे तेज डांटते हुए कहा, बेहुदा बात मत कर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे एम्प्लॉयज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कार्तिक का दोस्त समझ गया कि कार्तिक अब सिर्फ उनका दोस्त नहीं रह गया है, वो बहुत बड़े एम्पायर का मालिक भी है। कार्तिक का गुस्सा देख वो सहम कर चुप हो गया। माहौल को सीरियस होता देख नील एकदम से बोला, यार जब कॉम्पिटिशन चल रहा था एक बार तो हम सब डर ही गए थे, लगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल गया, पर फिर उसके बाद जो तमाशा होना शुरू हुआ, कसम खुदा की मजा ही आ गया। काश उस वक्त हम लोग भी वहां होते, रोशन की हालत सामने से देखने में बड़ा मजा आता। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से कहा, अभी लंच टाइम के बाद की क्लासेस बाकी हैं,
चलो क्लास भी अटेंड कर लेते हैं भाई। जमाना हो गया क्लास की शक्ल देखे। नील ने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, तुझे क्या करना है अब क्लास अटेंड करके? तुझे तो घर बैठे डिग्री मिल जाएगी, स्यापा तो हमारा है। कार्तिक ने नील की बात पर रिएक्ट नहीं किया क्योंकि बात तो उसकी सच्ची थी। डिग्री के लिए उसे अब क्लास अटेंड करने की जरूरत क्या थी? पर वो बहुत सारी क्लासेस स्किप कर चुका था। वो कॉलेज डिग्री के लिए नहीं आ रहा था, वो सच में पढ़ना और सीखना चाहता था। कार्तिक ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए किताब हाथ में उठाई और कहा, चलो यार अब चलें। उसके बाद वो चारों कॉलेज की क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। जिस क्लास में इतना शोर मच रहा था, कार्तिक के एंटर करते ही एक पल में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। कार्तिक के कॉलेज में बुगाटी लाने के बाद अब पूरा कॉलेज जानता था कि कार्तिक बिलियनियर बन चुका है। सारे स्टूडेंट्स के बीच में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक लड़का बोला, तूने वो फैशन कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट देखा था? मैन आई एम टेलिंग यू, इसने उस रोशन की धज्जियां उड़ा दी थी। एक लड़की ने कहा, क्यारा कितनी लकी है यार, बिलियन डॉलर हॉट केक उसके हाथ लग गया। एक और आवाज आई, और कॉम्पिटिशन के बाद विनिंग किस माइंड ब्लोइंग थी। एक और लड़की बोली, कॉम्पिटिशन जीतने के लिए तो उसका कार्तिक के साथ होना ही बहुत था। टैलेंट वैलेंट सब बेकार की बात है, जहां इतना पैसा हो वहां सब कुछ पॉसिबल है। फिर किसी और ने कहा, वैसे शैनन तो अपना सर पकड़ कर रोती होगी अब। कार्तिक उसको कितने अच्छे से ट्रीट करता था, कितना मानता था, पर उसने जो कार्तिक के साथ किया उसके बाद वो खुद भी कहीं की नहीं रही। इतने दिन से तो कॉलेज भी नहीं आई है। सारे लड़के लड़कियां कार्तिक की लव लाइफ और उसकी रईसी के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही कार्तिक क्लास में सीट की तरफ बढ़ा, एक लड़की ने उसे फौरन कहा, कार्तिक मेरे पास बैठो ना, मैंने ये सीट स्पेशली तुम्हारे लिए खाली रखी है। कार्तिक कुछ रिएक्ट करता, इतने में दूसरी लड़की बोली, अरे आज मैं घर से खुद खाना बनाकर लाई हूं तुम्हारे लिए कार्तिक, तुम मेरे पास बैठो। तीसरी ने कहा, क्या इन फालतू लड़कियों को मुंह लगा रहे हो, तुम्हारे पास तो मेरे जैसी सेक्सी लड़की सूट करती है कार्तिक। सारी क्लास हैरान होकर इन लड़कियों को देख रही थी कि जब कार्तिक गरीब था इनमें से कोई उससे हेलो तक नहीं करती थी, और आज इस तरह चिपक रही थी जैसे शहद पर मधुमक्खियां। कार्तिक ने उन सबको इग्नोर किया और क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर नील के साथ जाकर बैठ गया। एक मिनट के बाद क्लास शुरू होने की बेल बजी, लेकिन प्रोफेसर की बजाय प्रिंसिपल सर क्लास में आए। उन्होंने आते ही अनाउंसमेंट की, आपकी क्लास में एक न्यू एडमिशन आया है, स्पेशल केस है इसलिए मिड टर्म में लिया गया, मैं खुद आप लोगों से उसका इंट्रोडक्शन कराने आया हूँ। उनके ये कहते ही क्लास में एक लड़की ने एंटर किया। सबकी आंखें हैरानी से बाहर को निकल आई और मुंह खुले के खुले रह गए। वो लड़की ड्रॉप डेड गॉर्जियस थी, जैसे सचमुच की लड़की नहीं किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई परफेक्ट क्रिएशन हो। उसकी स्किन का कलर सफेद मोती जैसा चमकीला था, बाल कमर से भी नीचे तक लंबे और पोनी में बंधे थे, बड़ी बड़ी आंखें हिरनी जैसी और आईब्रोज तो बिल्कुल जैसे तीर कमान। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जितनी भी तारीफ की जाती कम ही था। क्लास में फिर एक बार जबरदस्त हलचल मच गई। दरअसल इतनी सुंदर लड़की आज तक किसी ने देखी ही नहीं थी, पर वो जितनी सुंदर थी उसका चेहरा उतना ही एक्सप्रेशनलेस था, जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। प्रिंसिपल सर ने उसकी तरफ देखकर कहा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो एक स्टेप आगे बढ़ी। उसने चुस्त सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी, बहुत ही स्टनिंग लग रही थी, पर उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। उसने कहा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मैगी फर्नांडिस। उसका नाम सुनते ही पूरी क्लास में हंसी की लहर दौड़ गई। मैगी टू मिनट्स नूडल, मैगी को पकाना सबसे आसान, और भी बहुत से स्लैंग्स पीछे से उस पर उछाले जाने लगे और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले। प्रिंसिपल सर ने पूरी क्लास को डांटते हुए कहा, बिहेव योरसेल्फ एंड मेक हर कंफर्टेबल, ये आप लोगों की नई क्लासमेट है, इसके साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए। ये कहकर प्रिंसिपल सर ने मैगी को कहा कि वो जाकर अपनी सीट ले, और क्लास के बाहर निकल गए। जब मैगी सीट की तरफ बढ़ने लगी तो क्लास के सारे लड़कों में होड़ मच गई। हर कोई उसको सीट ऑफर कर रहा था, एक दूसरे को धक्का देते हुए वो आपस में लड़ रहे थे। सब में कॉम्पिटिशन चल रहा था मैगी को इम्प्रेस करने का, पर वो एक एक करके सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती चली गई।
उसको पीछे की सीटों की तरफ आता देख कार्तिक के दोनों दोस्तों में एक्साइटमेंट बढ़ गई। वो दोनों भी एक दूसरे को धक्का देने लगे कि ये मेरे पास बैठेगी, नहीं ये मेरे पास बैठेगी। मैगी उन दोनों को भी अवॉइड करके नील और कार्तिक की तरफ बढ़ गई। सबको लगा कि शायद अब वो नील के पास बैठ जाएगी क्योंकि वही पहले बैठा था, पर मैगी ने नील को बहुत रूडली कहा, अब यहां से उठकर वहां बैठ जाइए, मुझे इसी सीट पर बैठना है। नील उसकी कमांडिंग टोन पर हैरान रह गया। नील उससे कहना चाहता था कि सर ऑर्डर चलाने वाली होती कौन हो, गेट लॉस्ट, पर वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि नील भी कुछ गलत नहीं बोल सका। वो चुपचाप वहां से उठ गया। उस लड़की के नील से इस तरह बात करने पर कार्तिक को भी तेज गुस्सा आया। कार्तिक के लिए उसकी खूबसूरती ऐसी कोई मायने नहीं रखती थी कि वो नील की इंसल्ट बर्दाश्त कर लेता, पर कार्तिक इस बात से हैरान था कि सारी क्लास को छोड़कर आखिर वो उसी के पास क्यों बैठना चाहती है। नील के उठने के बाद वो लड़की वहां बैठी। धीरे से उसने कागज कार्तिक की तरफ सरका दिया। उसमें लिखा था, सर आई एम योर न्यू बॉडीगार्ड, प्लीज अलाउ मी टू प्रोटेक्ट यू। कार्तिक ये पढ़कर हैरान रह गया। उसने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगा, ये खूबसूरत नाजुक सी लड़की मेरी बॉडीगार्ड है, किसने भेजा इसको। कार्तिक अभी सोच ही रहा था, उसके फोन पर चौहान अंकल का मैसेज फ्लैश हुआ। मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड भेजी है, उसके लड़की होने पर मत जाना, कमांडो ट्रेनिंग ले चुकी है और बेस्ट है, हर तरह के आर्म्स एमिनेशन को हैंडल करना जानती है और स्ट्रीट फाइट में भी एक्सलेंट है। कार्तिक को लगा कि उस दिन कैंटीन में जो कुछ हुआ था, चौहान अंकल अब रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज कैंपस में इस लड़की को स्टूडेंट की तरह भेज दिया ताकि मैं मना ना कर सकूं। उसने बेबसी से सर हिलाया। वो समझ गया कि अंकल चौहान को कुछ भी कहना यूजलेस है, वो मानेंगे नहीं। उसने चुपचाप फोन बंद करके रख लिया। उस लड़की को आहिस्ता से कहा, ठीक है पर याद रखना, तुम मेरे किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं डालोगी और मुझसे थोड़ा दूर रहोगी। मैगी ने सिर झुकाकर कहा, एज यू से सो। पूरी क्लास उनकी खुसर पुसर को देखकर हैरान थी। अब ये बातें भी बननी शुरू हो गई थी कि ये लड़की सब पता करके आई है, इसको सब पता है कि कॉलेज का सबसे रिच लड़का यही है, इसीलिए आते ही कार्तिक को फंसाने की कोशिश कर रही है। नील भी समझ नहीं पा रहा था कि वो आते ही कार्तिक से इस तरह क्या बातें करने लगी है, वो भी कंफ्यूज था। उधर अंकल चौहान कार्तिक की सिक्योरिटी के लिए और भी जरूरी अरेंजमेंट्स करवा रहे थे। कार्तिक को लगा कि कैंटीन फाइट की वजह है इस सिक्योरिटी की, पर बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। और इधर मैगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी स्टूडेंट्स उसको लेकर क्या सोच रहे, उसकी प्राइम प्रायोरिटी सिर्फ कार्तिक की सिक्योरिटी थी। कार्तिक के लिए ये बड़ा इरिटेटिंग हो रहा था। वो जहां भी जा रहा था मैगी उसके पीछे पीछे आ रही थी, यहां तक कि जब वो कैंटीन में कुछ खाने गया तब भी मैगी उसके पीछे पीछे चली आई। इस बार कार्तिक ने मैगी को इरिटेट होकर कहा, हर जगह चिपकना जरूरी है क्या, कॉलेज कैंटीन ही तो है, यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर रहो मुझसे। मैगी ने सिर झुकाकर कहा, यस सर। वो कार्तिक से तीन टेबल छोड़कर बैठ गई, पर उसकी कमर एकदम सीधी थी, बिल्कुल चौकन्नी होकर इधर उधर देख रही थी। कार्तिक जब खाने के लिए बर्गर लेकर आया तो पता नहीं क्यों उसको मैगी को देखकर गिल्ट फील होने लगा, आफ्टरऑल वो वहां पर उसी की सिक्योरिटी के लिए थी। कैंटीन में सारे लड़के मैगी को लस्टफुल आईज से देख रहे थे। कार्तिक को मैगी पर गुस्सा करने के बाद अब बुरा लग रहा था। उसने एक और बर्गर लिया और इस बार वो खुद मैगी की टेबल पर आकर बैठ गया। कैंटीन में बैठे सारे लड़कों को कार्तिक से भयानक जालसी हो रही थी। मैगी ने अभी तक कॉलेज के किसी भी लड़के से बात भी नहीं की थी, यहाँ तक कि किसी को हेलो तक का जवाब भी नहीं दिया था, जबकि कार्तिक के साथ वो बहुत पलाइट थी। मैगी को टेंस देखकर कार्तिक ने कहा, आराम से अपना बर्गर एंजॉय करो, कॉलेज कैंटीन ही है, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। हर तरफ कैंटीन में उनके बारे में ही बात हो रही थी। एक लड़के ने कहा, यार इस कार्तिक ने क्या किस्मत पाई है, वहां इसने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन कियारा को फंसा रखा है और अब ये दूसरी हूर परी आई है, ये भी इसी के पीछे लट्टू है। दूसरे लड़के ने कहा, पैसा चीज ही ऐसी है बेटा। इतने में एक लड़की बोली, अरे देखो देखो कियारा भी आ गई, लुक कैसे गुस्से से देख रही है कार्तिक को, अब आएगा असली मजा कैट फाइट देखने में, पटाखे फूटेंगे अब तो। उधर कार्तिक मैगी को इतना सीरियस देखकर हंसाने की कोशिश कर रहा था और वहां कियारा उन्हें घूरती हुई तेजी से कार्तिक के टेबल की तरफ बढ़ रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए 02 हीरो।